सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन एंड गाइस, आज हम करने वाले हैं IBPS RRB क्लर्क का जो मॉक नंबर 1 करेंगे 2023 वाला, ठीक है। कल हमने किया था RRB PO का, वो भी 2023 का मॉक नंबर 1 किया था, ठीक है। आज करेंगे क्लर्क का, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड किसी को भी अगर टेस्ट बुक की अप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और आप ये मॉक लगा पाएंगे। परचेज करना पड़ेगा लेकिन उसके लिए पास, ठीक है। सो ये क्या हो गया है, एक सेकेंड, अभी चला देंगे इसको। कनेक्ट हो गया, ठीक है। सो बस अभी चल जाएगा, ओके। ठीक है, पहला मौका ही हमारा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10% आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, ठीक है। 1 रो इज फेसिंग अनदर रो, PQR इज सिटिंग दर, सेकेंड फेसिंग नॉर्थ, 1 इधर 2 इधर, PQRST, ठीक है। 5 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर क्या बोला है, ई सिटिंग मिडल ऑफ द रो, तो ई ऊपर बैठा है मिडल में, और ई सिट मिडल एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट अपोजिट, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन अपोजिट एस, और आगे क्या है, आर सिट एंड ऑफ द रो एंड सिट अपोजिट टू बी, आर जो कि एंड पर है बी के अपोजिट, और फिर क्या, सी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, सी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, एस सिट बिटवीन पी एंड क्यू, एस सिट पी एंड क्यू, ये नहीं बनेगा, ठीक है, इसमें ही बनेगा, पी और क्यू कहीं भी आ सकता है। डी सिट एट द एंड ऑफ द रो, डी इधर आ गया तो ए इधर आ जाएगा, क्यू सिट टू द राइट ऑफ एस, लेफ्ट राइट क्यू हो गया, पी हो गया PQRST, एंड ऑफ द रो डी ए नहीं है, ए बी ये भी नहीं है, पी टी भी नहीं है, पी और बी ये है और सही है, आर और ए नहीं है। डायगनली अपोजिट टू आर, तो आर के अपोजिट है डी, हु सिट अपोजिट टू द वन, हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, हु सिट बिसाइड बी, ठीक है। एक तो ये हो गया, हु सिट अपोजिट टू द वन, हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट, 1 2 और अपोजिट में है टी। हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु सिट बिसाइड्स पी एंड द वन हु सिट एट द राइट एंड ऑफ द रो टू, रो टू है ये और राइट ये, हाउ मैनी पर्सन सिट, तो दो ही होंगे, दो सिट मिडल ऑफ द रो टू क्यू, और इसको मैं छेड़ूंगा नहीं अभी, पेयरिंग का है तो एच हो गया 8 9 और एम हो गया 13 1 12 1, वाई कितना होता है 25, ए 1 एन 14, बोर्ड डायरेक्शन 8 9 10 11 12, ये 12 ही था ना, 12 13 14 15 16 नहीं बनेगा, 9 10 11 12, 13 9 10 11 12 नहीं बनेगा, 13 14 15 16 17 18 नहीं, 1 2 3 4 नहीं बनेगा, 12 13 14 15 नहीं, 12 13, 1 2 3 4 5 6, 25 का भी नहीं बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 4 हो गई, 14 15 16 17 18 19, सिर्फ 4 बनेंगे। हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर, द अबो अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय द लेटर एंड इमीडिएट फॉलोड बाय द नंबर, नंबर कॉन्सोनेंट लेटर, नंबर नंबर देखना है, नंबर फिर कॉन्सोनेंट, नंबर कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर कॉन्सोनेंट फिर लेटर नहीं है, नंबर कॉन्सोनेंट फिर लेटर एक, नंबर कॉन्सोनेंट लेटर दो, सिर्फ दो है। इफ ईच सिंबल इज कन्वर्टेड इन टू न्यूमेरिकल फॉर्म, ठीक है, न्यूमरल स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड ऑल द नंबर्स आर कन्वर्टेड इन टू अल्फाबेटिकल सीरीज, देन इन
Obtain series, how many numbers of English letters are more than the numerals? How many obtain English letters, यानी कि नंबर देखने हैं, ठीक है, नंबर्स को पकड़ते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हैं ये, और मोर देन द नंबर्स, तो इसके लिए इसको सिंबल्स को देखते हैं, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 है ये, जो ये थे इसमें चेंज हो गई, छोड़ते हैं यार इस क्वेश्चन को। इफ एलिमेंट्स इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सीरीज रिवर्स ऑर्डर देन सेकेंड हाफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 14 गिनने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, ठीक है, यहाँ से रिवर्स, देन फाइंड द 13th एलिमेंट ऑन द राइट हैंड एंड द 8th एलिमेंट ऑन द आठ, आठ और तेरह 21 हो गया, 21 लेफ्ट से देखना है, तो 14 तो ये हो गए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और एक 21 भी आएगा, क्लियर करते हैं, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ रखे हैं यार इसमें, 7P, 7, फिर पी कहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छोड़ गए, वाओ 6 छोड़ के पी है, तो ऐसे ही 7 का क्या ले रखा फिर इसने, 1 छोड़ के ओ के बाद क्या है, नहीं फिर इसने 5 ले रखा 7 का, तो ओ का क्या हो जाएगा, 3 छोड़ के, तो 3 छोड़कर है ये आयटा, जो भी नहीं आयटा नहीं बोलते इसके, और फिर 3 यहाँ पी था, तो पी का अपोजिट हो गया था वो, और यहाँ 3 है, तो पी का अपोजिट क्या था, पी का अपोजिट था बेटा, तो इधर आ जाएगा ये, सिर्फ एक यही है, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं बनेगा ये, और जी ग्रेटर देन डी, जी ग्रेटर देन डी भी नहीं बनेगा, तो एक सेकेंड देखते हैं, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी ग्रेटर देन, ठीक है इधर उड़ जाएगा ये, ठीक है, टी ग्रेटर देन पी, तो टी ग्रेटर देन के, के ग्रेटर देन बी, बी इक्वल्स टू टी ग्रेटर देन आई, आई ग्रेटर देन पी, सही है, टी ग्रेटर देन ए, तो टी ग्रेटर देन के ये नहीं बनेगा, तो टी ग्रेटर देन ए का पूछा है, की हो गया के ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन, तो ये आइदर रोड जाएगा, दोनों का आइदर रोड 2, 3 और फर्स्ट करेक्ट, ई ग्रेटर देन एस, ई ग्रेटर देन डी, ई ग्रेटर देन, तो एल लगा लेते हैं, एल ग्रेटर देन एस, सही है, एम ग्रेटर देन यू, एम ग्रेटर देन एल, एल ग्रेटर देन यू, सही है, बोथ एल ग्रेटर देन एम, सी इक्वल्स टू एम ये होगा नहीं, एल ग्रेटर देन एम, एल ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर नहीं, एल ग्रेटर देन एम, सही है, सेवन फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, जी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, डी की डॉटर इन लॉ है, ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, एंड एफ इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ बी, एफ इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ बी हो गया, जी इज द सिस्टर ऑफ ए, जी इज द सिस्टर ऑफ ए, ई इज द ओनली चाइल्ड ऑफ बी एंड डी, ई इज द ओनली चाइल्ड ऑफ बी और डी, ठीक है, तो बी इधर ही आएगा, ई इधर आएगा, इसको करते हैं, और एफ इन्हीं का आ जाएगा, सी इज द ओनली सन ऑफ ई, सी सन हो गया, तो ये टोटल है कितने, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इनका मैं पता नहीं
who is in function. Function. A's mother. A की मदर नहीं पता. अब एक सेकेंड, इसका बी और डी का कोई जेंडर है डिफाइन? ग्रैंड चाइल्ड और बी और डी का तो कोई जेंडर ही डिफाइन नहीं है. जी इज अ सिस्टर, ठीक है. ए इज मदर नहीं है. सी इज फादर नहीं है. अच्छा सी इज फादर ही तो ये ई. हाउ डी इज रिलेटेड टू एफ? डी इज रिलेटेड टू एफ. डी का हम बता तो नहीं सकते, पैटर्न में ग्रैंडफादर है क्या है नहीं बता सकते. फाइंड देखते हैं पहले. तो फाइंड है सिर्फ दो में है, ठीक है. तो पी टी नहीं होगा, ई के एच सी एन आर. एच सी आ जाएगा. फाइंड सम, सम इसमें होगा, इसमें हो गया. तो इन दोनों में है ए बी वी एस, वी एस एच ओ वी एस होगा. फाइंड सम इजी, तो इजी का एक तो ये सेकंड में हो गया, थर्ड में हो गया. पी टी ई के एच सी ई के हो जाएगा ये, ठीक है. फिर वे का सम इजी वे, वे 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 किधर है? वे इसमें है नहीं. तो एच सी वी एस ई के, एच सी वी एस, एच सी वी एस ई के. तो फिर जेड क्यों लिया था? टर्न का बताना है. टर्न एक इसमें है, वो लास्ट वाले में जी बी आई आर एच ओ ओ टी, एच ओ आ जाएगा, ठीक है. व्हाट इज द, व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड ऑफ विश? तो विश का एक इसी इसमें सिर्फ पी टी, पी टी हो सकता है. ई के नहीं होगा, एच सी भी नहीं होगा, एन आर और एन आर भी हो सकता है. पी टी और एन आर सेकेंड थर्ड. कोल देयर, कोल का, कोल सिर्फ लास्ट वाले में, तो जी भी नहीं होगा. आई आर हो सकता है, एच ओ, एच ओ नहीं होगा, ओ टी, ओ टी भी नहीं होगा. आई आर और ओ टी, आई आर एंड ओ टी. फिर बताना है देयर का. देयर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें. तो ये दोनों हो गए आई आर ओ टी. थिंग्स, थिंग्स का नहीं बताया हमने. थिंग्स का देखते हैं, एक इसमें है फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में, तो जी भी आ जाएगा ये. आई आर एच ओ ओ टी ये नहीं आएंगे. एट फ्रेंड्स आर लिविंग इन द हाई स्टोरी बिल्डिंग, द इन सच ए बॉटम मोस्ट इज वन. तो 8 7 6 5 4 3 2 1. ठीक है. ई इज ऑन सिक्स फ्लोर विच इज इमीडिएट अबोव बी. ई जो कि है सिक्स पर, इमीडिएट अबोव बी. तो सी लिव्स फोर फ्लोर अबोव जी. सी फोर्थ फ्लोर अबो, बिलो अबो जी, ठीक है. जी इज, जी लिव्स अबो ए, ठीक है. तो सी इधर हो सकता है, 1 2 3 जी, सी 1 2 3 जी आ गया. और ए हु लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, ए इधर आएगा. ये खत्म. डी लिव्स अबो एफ, डी लिव्स अबो एफ बट बिलो बी, बी एफ और इधर आ जाएगा बी, और इधर एफ आ जाएगा. और फिर क्या है, एच डज नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर, तो एच आ जाएगा इधर, ये बन गया. और ए डजन लिव इमीडिएट बिलो जी, ठीक है. फोर्थ फ्लोर पर है जी. हाउ मैनी बिलो एच, तो 6 हो जाएंगे. हाउ मैनी पर्सन बिटवीन डी एंड ई, तो डी कहाँ है हमारा, डी कहाँ गया? दो तो बी कैसे लिख दिया मैंने, ये बी के नीचे डी आएगा ये इधर. डी और ई एक दो. हु लिव्स इमीडिएट अबोव द वन, हु लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर इमीडिएट अबोव डी. लिव ऑन द टॉप फ्लोर सी. और फिर है ईच, ईच ऑफ सिक्स एलईडीज सोल्ड डिफरेंट नंबर ऑफ एल ई डी इन वन डे, ठीक है. बी स्टोर्स हैं ये,
B sold more LEDs than E but less than D or F, and A is less than E but more than C. ठीक है, the store which sold second highest, 1, 2, 3, 4, 5, 6, second highest कितना होगा ये 29, और E doesn't sold LED in prime number, तो इधर आ जाएगा D F B E A C. तो how many LED sold D का 32 आ जाएगा. If E is 15 LED in one day, तो how many LED sold by B, 15 से ज़्यादा होंगी और 20. If the LED sold by B is multiple of 3 more than 20, तो 27 होगी इसकी. How many LED, 27. Okay, some A are not B, some A are not D, and some C are not D. तो all D are B is a, all D B is a possibility. Some C A नहीं पता. All A being B नहीं हो सकता. ठीक है, only one होगा इसका. ओनली वन कहाँ है ये रहा. ठीक है, तो फिर है सम डेजी आर नॉट रोज, सम रोज आर नॉट लोटस, एंड सम लोटस आर नॉट लिली. ओ लिली बिंग रोज इज अ पॉसिबिलिटी. सम रोज आर लोटस नहीं पता. ओ लोटस बिंग डेजी इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, फर्स्ट और लास्ट. फिर है ऑल कलर्स आर विंडो, एंड ऑल रेनबो आर रेन. ऑल रेन्स आर नहीं पता. ठीक है, ऑल कलर आर रेन, ऑल कलर इज रेन, सेकंड वाला सही है एकदम. फिर है सम बॉक्स एम्प्टी, no empty drum, all drum full, and some box being full is a possibility. नहीं हो सकता. एक सेकेंड, no box empty is drum के ऊपर है सिर्फ ही, और full का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हो सकता है. तो some box being drum इसे हो सकता है, ये भी दोनों के दोनों सही होंगे. एक सेकेंड, ओके okay, तो एक ही पजल रहती है हमारी सिर्फ. ट्वेल्व पर्सन आर स्टैंडिंग इन ए स्कूल असेंबली, देयर आर बट ऑल ऑफ देम बोर्न इन 2004. 12, 18, 24, 3, 6 हो गए. कितने हैं भाई ये? 12 पीपल लिव इन द स्कूल. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 12, 18, 24, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12. इतने मुझे लेटर्स दिख तो नहीं रहे भाई इसमें. ठीक है, 2004, तो फिर क्या है, 1, 2, 3, 4, ये हो गया जनवरी, अप्रैल, और फिर जुलाई 31, ये भी 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. ठीक है, फिर है अक्टूबर 31, और क्या है, डी वाज बोर्न आफ्टर टी हो गया, एंड आर इज द ओल्डेस्ट. R is the oldest and P is the youngest. और क्या है, Q and A were born in the January,
UA. W was born 18th of July. W was born 18th of July. Right to B. ये क्या मतलब हुआ? मतलब मे भी ऊपर होना चाहिए. देखेंगे. C was born in the 18th but not July. सॉरी जनवरी. तो ये तो सी इधर आ सकता है या फिर सी इधर आ सकता है. सी जो आएगा 18 में. वन पर्सन वॉज बोर्न बिटवीन ई एंड जेड. ई एंड जेड. जेड वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर. तो इधर जेड इधर आएगा. नहीं जेड तो जेड आएगा इधर. ई ई और फिर जेड. तो फिर और सी हमारा फिर बचेगा. इधर ही आएगा सी. ठीक है. और फिर क्या है? ए एंड एस वर बोर्न बोथ बोर्न ऑन सेम डेट. ए और एस. फिर ये कैसे होंगे? डी वाज बोर्न आफ्टर टी. डी और टी ये कैसे फिक्स होंगे? इधर देखते हैं. ए एंड एस वर बोर्न ऑन द सेम डेट. ए आ गया इधर. फिर एस का बचा है ये वाला एक पोजीशन. और 18 उसमें है नहीं तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा. ये आ जाएगा इधर एस. इधर ये ख़त्म. टी ठीक है. राइट ऑफ बोला था ना इधर. राइट ऑफ बी में भी इधर ही आएगा बी. और टी और फिर आएगा डी. ओवर बोर्न इन द सेम मंथ हैज डब्ल्यू. बी और ई. हाउ मैनी पर्सन वर बोर्न बिटवीन क्यू एंड बी. क्यू एंड बी. 1, 2, 3, 4. 24 ऑफ जुलाई. तो ई आएगा. बोर्न बिटवीन टी एंड एस. 1. ये सी है. अप्रैल में टी सी एस. सॉरी. तो ये कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेशन थोड़ी आएगा यार. क्लर्क में कुछ भी दे रहे हैं ये टेक्स्ट बुक वाले. 6/5 × 90. तो 18 जाएगा. 8 × 48. 108. ठीक है. एंड 160 × 60. 6 × 36 = 3. 6 × 3 = 9. 14 × 2 = 2. ठीक है. फिर यहाँ से 80 × 13 = 104. इधर तो 100 आ जाएगा पूरा. 152 + 2x + 111 ही लिखते हैं इसको. और इसको 29 लिख देते हैं. 29 552 उधर जाकर 29. तो ये कैंसिल. 11 5 3 8. और इधर हो गया 5. 1 1 1 3 हो गया. 6 2 2 6 3. 11 में से तो ये जाएंगे 8. 1 और 3. 2 से डिवाइड करेंगे 15. 9. 159 160. ये रहा. 3 × 36 / 9. 9 × 4 = 12. -3. 12 में से 3 = 9. 10 × 11 आ जाएगा. 13 / 117. तो 1/9 × 35 = 36. 9 × 4 आ जाएगा. और ये क्या है? 12 × 4 = 16. 16 × 2 = 32. 320 / 8. 4 × 0 -15. और 14 का होता है. एक सेकंड. 15 और 14 करना है. 15 × 4 = 60. 6 × 15 और 6 × 21 210. प्लस इसका आ जाएगा 340. एक सेकेंड इसको कर देते हैं 170. और 170 आने के बाद इसमें 167 ये रहा. 4 × 1296. 1296 और ये फोन में 36 × 36. ये 36 का स्क्वायर होता है. कट जाएगा. 4 बच गया. प्लस 3/4 ×
सिक्स जीरो ये आ जाएगा 15 15 30 45 49 आ जाएगा इसका। तो फिर है 102 डिवाइड बाय 17 ये आ जाएगा 6 पे प्लस 12 13 14 14 का होता है 196। ठीक है फिर यहाँ से 15 का 225 छः दो नहीं 12 13 14 15 16 17 एक 9 10 12 एक 2 2 4 और यहाँ से ये कितना आएगा 289 तो होता है 17 का उस तरफ जाके माइनस 17 तो ये कितना बनाया था 410 आ जाएगा। 16 का 256 20 का 400 ठीक है तो ये 656 हो गया पूरा। 656 और 17 का क्यूब कितना होता है अब ये 17 का क्यूब 16 का 40 96 होता है और फिर 17 का और कितना होता है 49 96 49 13 शायद 49 13 ही होता है तो इसमें 49 13 ऐड करेंगे और फिर है 14 का स्क्वायर 196 6 2 12 13 14 15 5 1 10 15 16 1 10 16 1 17 1 4 1 5 फिर 16 का क्यूब तो 40 96 यहाँ से माइनस होगा 15 में 6 9 और फिर यहाँ 15 बच गया 15 में से 9 गया 6 6 और 1 आगे सही था। चलो 17 का यार कभी यूज़ नहीं होता बहुत कम। 16 का 256 प्लस 45 डिवाइड बाय 15 × 10 कर देंगे 3 30 आ गया यहाँ से ठीक है तो 30 यहाँ से ऐड हो जाएगा और फिर 221/13 13 91 बच गया ठीक है तो 17 यहाँ से आ जाएगा 6 12 13 1 4 3 8 9 10 फिर 1 3 और वहाँ से 324 तो ये आ गया 18 और 5 25 8 5 13 2 2 4 43 जाएगा तो 260 आ जाएगा इसका 680 डिवाइड बाय 17 17 4 0 और 350 × 19 266 अब ये कितने पे जाएगा एक लगा लेते हैं 6 4 तो 4 पर आ गया ओके तो अब ये नहीं कटेगा इससे 14 तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 7 2 14 5 इधर 7 आएगा 7 2 14 हो गया 7 5 35 25 आ गया सिर्फ 25 आया ना 25 यहाँ से 43 वहाँ से ऐड हो जाएगा 5 3 8 4 4 108 है ही नहीं देखते हैं 160 17 4 0 तो ये हो गया फिक्स है तो 19 266 19 1 19 19 6 7 5 7 2 25 यहाँ से आया 5 2 6 और वहाँ से 43 5 3 8 ठीक है यही आएगा कोई है नहीं तो फिर इनको देखेंगे बाद में पहले करते हैं ये मारुति वैगन होंडा ऑल्टो ठीक है फाइंड द डिफरेंस विद टोटल नंबर ऑफ मारुति वैगन होंडाई और ऑल्टो ठीक है फिर दोबारा अगर इसका जरूरत पड़ा टोटल का टोटल मारुति कितनी होगी 2 4 6 6 और 6 2 12 12 हो गया 12 13 1350 और वैगन कितनी है ये हो गया 300 300 400 500 600 700 750 770 13 350 तो ये हो गया और 230 ये हो गया 0 8 580 इन विच ईयर द प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन ऑफ मारुति कार एंड वैगन कार बोथ टुगेदर आर इक्वल टू द प्रोडक्शन ऑफ विच ईयर ठीक है हुंडई और ऑल्टो के बराबर है तो फर्स्ट वाला नहीं होगा ये भी नहीं होगा ठीक है ये भी नहीं होगा और यहाँ से कितना हो रहा है तो ये भी नहीं होगा और यहाँ से देखते हैं जीरो
दो पाँच जीरो आठ चार बारह, तो यही है सिर्फ 2014 का। द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कार इन 12 से 13, ठीक है 12 का देखते हैं कितना हुआ है। तो 0, 8, 4, 12, 3 और 1, 4, इधर 5 और 10, 2 और 1, 3, 5, 2, 7, तो 2012 में ये है। 13 में कितना हो गया, 3, 4, 4.5, 4.5 सौ, 0, 9 और 2, 0, 4, 6 और 1, 7, तो कितना इंक्रीज़ हुआ है, प्लस 15 बड़ा है 775, 4 आ गया, 7, 28 और 1, 29, अप्रोक्सीमेट बताना है, 15, 24, 60, तो 2% कुछ बड़ा है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2010 to 2014, इन विच टाइप ऑफ कार इंक्रीज इन प्रोडक्शन, कंटिन्यूस इंक्रीज, ठीक है तो प्रोडक्शन इसमें इन बढ़ा है, मारुति है एक, तो और मारुति और होंडाई दे रखा है इसमें, बढ़ा नहीं सिर्फ मारुति। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मारुति कार फ्रॉम, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन मारुति कार फ्रॉम 2000, इसमें तो था 200, वो फिर बढ़ के कितना, ये सारा बढ़ा ही है इसमें, ठीक है तो 200 घटा देंगे इसमें से, कितना बचेगा 1100, ठीक है 100 से ये कट जाएगा, 5, 7, 2, 14, 1, 5, अरे यार डायरेक्ट वही निकाला था, शिट 120 बढ़ा है 200 पे, तो 260 आ जाएगा सिर्फ, क्या तो इंटू 1+1 इंटू 2+3 इंटू 3+1, फिर है और कुछ देखते हैं, 1 होगा फिर 5+1 हुआ, 5 और 3, 8 प्लस फिर 27 प्लस 64 प्लस 125 हो जाएगा 104, 5, 4, 9, 2, 229 इंटू 1+1 इंटू 2+2 इंटू 3+3 होगा, इंटू 4+4 होगा, इंटू 4 करेंगे इसका, 9, 2, 18, 184 इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू डबल हो रहा है तो 8, 128, ठीक है एक सेकेंड, 80 होगा ना, 0.5 हो गया फिर डबल हो गया, ठीक है इंटू 1 फिर इंटू 4 फिर 8, 8 से 48, 4, 4, 12, ठीक है 4, 2, 6 प्लस 2 और 1 प्लस में 0, 2 प्लस 0, 3, तो यहाँ से होगा 6, 8, 10, 12 होगा तो 42, 96 में ऐड करेंगे 8, 138, 6 और 1, 7 और 1, 8 हो गया, प्लस में 6, 7, 8 और 1, 9 डैश डैश और फिर 30, 40, 41, 42, 43, ये क्या बात, 30, 40, 42, 43, 2, 4 देख, 2 का क्यूब फिर 4, 5, 6, 7 नहीं बनेगा, ये कुछ समझ में नहीं आया मुझे क्या हो रहा है ये, ठीक है 9, 2, 18 - 1, 17, 2, 34 नहीं है फिर, अब 6, 7, 8, 9 हो गया, 7 और 1, 8 हो जाएगा इधर, फिर 2, 3, 4 का अगर फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा वो, तो छोड़ते इसको एक बार, ठीक है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3, 2, 6 - +2y 30 और यहाँ से 5x + 2y = 81 सबट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस, तो माइनस का x = 51, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 51, एक्स की वैल्यू माइनस 51, तो फिर 3, 5, 3, 15 + y = 15, ये उस तरफ जाके y प्लस आएगा तो एक्स वाई बड़ा आ जाएगा इससे, ये दोनों के दोनों ख़त्म, इसमें प्लस प्लस 4, 4
प्लस प्लस चार थी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, ये खत्म। फिर प्लस 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 चार पाँच, दो चार दूनी आठ और पाँच तेरह, आठ और पाँच हो गया। एंड फिर नाइन सिक्स, नाइन सिक्स हो गया, तो ये भी नहीं बनेगा। फिर ठीक है ये है, तो ऑर्डर रिसीव्ड इतने हैं, ऑर्डर डिस्पैच इतने हुए हैं, अनडिस्पैच बच गए वो वाले, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, द रेशियो ऑफ द अनडिस्पैच ऑर्डर क्यू, क्यू में कितने हुए, तो 250 300 के, क्योंकि 300 टू द अनडिस्पैच ऑफ एस, एस में 600 थे, 550 11 और 6 रेशियो 11। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर रिसीव्ड बाई क्यू आर टूगेदर, ऑर्डर रिसीव्ड क्यू और आर, क्यू आर ये कितने हो गए 2000, डिफरेंस बताना है। और टुगेदर ऑर्डर रिसीव पी ओ टी, अरे ऑर्डर डिस्पैच का ऐड कर दिया मैंने, तो ये क्यू और आर ये कितना हो गया 5, और 5 2 7, 6 2 8 2, और पी ओ टी, पी और टी कितना हो जाएगा 13, ऐड करें तो 13 3 31, 31 सो ये 125, 225 आ जाएगा डिफरेंस। इफ़ वेबसाइट ए रिसीव्ड, इसको छोड़ते हैं 2 मिनट। फाइंड द एवरेज ऑफ द टोटल ऑफ द नंबर ऑफ अनडिस्पैच ऑर्डर ऑफ वेबसाइट क्यू आर एस, अनडिस्पैच क्यू, क्यू हो गया ये, क्यू आर कितना हो जाएगा 1625 में से 1050, 5 आ गया, 12 5 7, 5 575, तो 5 10 1125, तो ये कितना हो जाएगा 1425 डिवाइड बाय 3, 4 3 12, फिर 2 2 7 21, 5 475 आ गया। ऑर्डर डिस्पैच बाय वेबसाइट एस एन टी, ऑर्डर डिस्पैच एस और टी का कितना हुआ ये, इसको हटा देते हैं 2100। व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द ऑर्डर रिसीव्ड बाय क्यू, क्यू का है ऑर्डर रिसीव्ड 1250, तो 750, तो वो 850, 850 1225, ठीक है ये आ गया 5 4 8 2 16 17 17 चौकी 68। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ द बॉय, 12 बॉयज आर इतना, लेटर इट वाज फाउंड दैट द वेट ऑफ द वन स्टूडेंट वाज टेकन दिस इंस्टेड ऑफ दिस, तो ज़्यादा उसने ऐड कर दिया। फाइंड द, तो ज़्यादा कितना ऐड किया है 549, तो इसमें से 68 से कम हो जाएगा, तो 67, लेकिन कितना कम होगा 9 कम होगा 12 पर, तो 3/4 67.25 किया गया। ये करते हैं ये वाले क्वेश्चंस। द रेशियो ऑफ द प्योर वाटर एंड प्योर सॉल्ट इन सी, ठीक है वाटर एंड प्योर वाटर एंड सोल्ट, ठीक है 6:1 एंड 14% ऑफ मिक्सचर इज सोल्ट एंड द सेम अमाउंट ऑफ द सोल्ट इज एडेड प्लस 14 लीटर, नाउ रेशियो बिकम्स 4:3, तो इसको करेंगे 2 से, इसको 3 से, 12 और 2, यहाँ पे कितना चाहती 12 3 3 9, तो 7 ऐड हुआ, 7 की वैल्यू 14, 1 की वैल्यू आ गई 2। फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ प्योर वाटर, तो इनिशियल अमाउंट ये कितने होगी 14, 14 दूनी 28, 28 में 14 और ऐड करेंगे 8 4 12 3 और 1 4, अब इसमें से तो इसका रेशियो ले लेंगे 7 6 का, 6 जो 36 आ जाएगा। 5 मैन कैन कंप्लीट वर्क इन 8 डेज एंड 6 वुमेन कैन कंप्लीट 10 डेज, 5 आ गया 2, ये आ गया 4, 3, 2, तो मैन 3, वुमेन 2। हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड बाय, तो 5 ये 15, 15 × 8, ठीक है हाउ मेनी डेज फोर टू मैन, 3 2 6 और 3 2 6 12 टू कंप्लीट द वर्क,
ठीक है, तो 2 3 पाँच दोनों 10 दिन लगेंगे इन्हें। द डिफरेंस बिटवीन द एस आई एंड सी आई ऑफ अमाउंट कितना इज दिस, 2 साल का अमाउंट का डिफरेंस है ये, तो इंटरेस्ट बताना है, तो डिफरेंस इक्वल्स टू 147 इक्वल्स टू पी 30,000 आर टी बाई 100, क्या था डिफरेंस का फॉर्मूला ध्यान में नहीं आ रहा। आर स्क्वायर बाय 100 था शायद से, आर स्क्वायर अपॉन आर बाय 100, 100 इंटू 100 ठीक है, एक दो और यहाँ से 4 और फिर 9 आर आएगा 7। राज वॉज 1/3 ऑफ अनिल, राज इज 1/3 ऑफ अनिल प्रेजेंट एज, व्हेन अनिल वॉज बोर्न इफ द प्रेजेंट एज ऑफ राज इज 36, तो राज की फिलहाल 36 है, 6 3 18, 1 और 3 क्या 9 और 1 10, 1 सेकेंड, 6 3 18 का 8, 1 3 3 9 और 1 10 हो गया ठीक है। और फाइंड द प्रेजेंट राज वॉज 1/3 ऑफ द अनिल प्रेजेंट एज व्हेन अनिल वॉज बोर्न इफ द प्रेजेंट एज ऑफ राज इज अनिल वॉज बोर्न, ये क्या बात हुई, राज की आयु अनिल की वर्तमान आयु का एक तिहाई है, यदि राज की वर्तमान आयु 36 है तो अनिल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अनिल की जन्म राज सम वाज दिस इज डिवाइडेड अमंग, आराम से देखना पड़ेगा वो बाद में मुझे, ए रिसीव इतना लेस देन बी एंड बी रिसीव दिस लेस देन सी ठीक है, तो बी ए बी सी कितना आ जाएगा 5 ठीक है, बी का शेयर बताना है 480 डिवाइड बाय 7 5 12 12 12 48 जीरो फिर 4 0 और निकालना किसका, बी का इंटू में 4 0 4 4 16 और फिर 4 4 16 16 16 16 ये आ गया ना ठीक है। और फिर ये क्वेश्चंस रह गए हमारे, अमन आकाश वॉक टू ए प्लेस एंड टू कार राइड एंड रिटर्न एंड टेक्स इतना टाइम, ही वुड हैव सेव टू 2 घंटे 40 मिनट साइड कार राइड इन द कार बोथ वेज। A swimmer swims in the still water at the speed of 15 km per hour. ठीक है, he has thrice as much time reach the destination when he swims up river. ठीक है, u plus v and u minus v 3 time हो गया, speed का हो जाएगा 3 और 1, swims in the city still water का दे रखा है ठीक है, तो U की वैल्यू आ जाएगी 2, V की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू है 15, तो इसकी 7.5 इलेक्ट्रॉनिक सोल्ड वैक्यूम क्लीनर इतने रुपये आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ दिस, इफ ली है नॉट अलाउड डिस्काउंट ही वुड गेट प्रॉफिट ऑफ 20%, अगर 270 अगर ये 90 की वैल्यू है तो 100 की, और नहीं देता है तो ये हो जाएगी 120 की वैल्यू, 1212 ख़त्म, और 930 और फिर 6 2 6 5 25 2500 की सीपी आ जाएगी ठीक है। और कौन से क्वेश्चन बचे हैं मेरे, एक ये देखते हैं, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड
इसमें भी मीनिंगफुल वर्ड घुसा दिया आप इन लोगों ने। तो अभी देखते हैं वेबसाइट वेबसाइट ए रिसीव इतने मोर ऑर्डर एक इतने मोर ऑर्डर देन द वेबसाइट एस डिस्पैच ने प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो ठीक है, ये समझ में नहीं आया यार इसका पैटर्न क्या होना चाहिए। 9/17/26-69/112 4 3 4 5 2 4 2 3 इंटू टू डिफरेंस में नहीं लग रहा इंटू टू 9 2 18 माइनस डिफरेंस 7 और एक 8 का है 6 3 9 फिर इनका पता नहीं तो इनका 30 40 42 43 पता नहीं चल क्या रहा है डिफरेंस में भी। राज एज इज 1/3 ऑफ द अनिल प्रेजेंट एज व्हेन अनिल वाज बोर्न। अरे काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी ठीक थी इस वजह से थोड़ा सा ठीक रहा, वरना तो पता नहीं काफ़ी ज़्यादा डाउन भी जा सकता था। या बाकियों के स्कोर देख के मुझे तो ये काफ़ी कम स्कोर लग रहा है। चलो जैसा भी है ठीक है। सो गाइस मेरा था ये स्कोर 72 ही मेरे अटेम्प्ट हुए थे, परसेंटाइल 99.25 है। एंड आपका बताना इस मॉक में क्या स्कोर रहा, कितना परसेंटाइल आया। एंड मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।